नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। हमेशा विवादों में रहने वाली शर्लिन चोपड़ा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार शर्लिन चोपड़ा ने एक बिजनेसमैन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। शर्लिन चोपड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो 12 अप्रैल को दुबई से मुंबई लौट कर आई थी। शर्लिन के मुताबिक उनके मैनेजर ने उन्हें बताया कि एक बिजनेसमैन उसके एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है। आप अपने एक दो काम खत्म करने के बाद शाम के वक्त वो अपने मैनेजर के साथ बिजनेसमैन से मिलने के लिए मुंबई के एक होटल में पहुंची। शर्लिन के मुताबिक कि जब वो उस होटल में पहुंची तो बिजनेसमैन ने उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया। इसके बाद बिजनेसमैन ने शर्लिन के मैनेजर को एक टोकन अमाउंट दिया और इसके साथ ही उसने कुछ पैसे गुड लक अमाउंट के नाम पर भी शर्लिन के मैनेजर को दिए। हालांकि शर्लिन ने बिजनेसमैन को बताया कि इतने कम पैसों में वो म्यूजिक एल्बम में काम नहीं कर सकती और उन्हें म्यूजिक एल्बम में काम करने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए चाहिए। इस पर बिजनेसमैन ने शर्लिन को कहा कि वो बाकी पैसे जल्द ही उनको दे देंगे। बिजनेसमैन से बात करने के बाद जब शर्लिन होटल से जाने लगी तो बिजनेसमैन ने उनसे कहा कि क्या वो उसको उसके घर तक ड्रॉप कर देंगी। इस पर शर्लिन ने बिजनेसमैन को अपनी कार में लिफ्ट दी और ड्राइवर को कहा कि वो पहले शर्लिन को घर छोड़ दे और फिर बिजनेसमैन को उसके घर पर ड्रॉप कर दे। जब शर्लिन खुद की सोसाइटी पहुंची तो बिजनेसमैन ने शर्लिन का घर देखने की इच्छा जताई, जिसके बाद वो शर्लिन के साथ उनके फ्लैट पर आ गया। वहां शर्लिन ने आरोपी बिजनेसमैन को खाना भी खिलाया। अचानक बिजनेसमैन ने शर्लिन के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। शर्लिन ने बिजनेसमैन को ऐसा ना करने के लिए कहा तो उसने कहा कि उसने शर्लिन के मैनेजर को उनके साथ समय गुजारने के लिए पैसे दिए थे। जब शर्लिन ने बिजनेसमैन को अपने फ्लैट से जाने को कहा तो आरोपी शर्लिन पर चीखने लगा और उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। शर्लिन ने इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।